तो आज अपन सीखने वाले हैं कि जो नोड है वो लिंक लिस्ट के बिल्कुल एंड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं, और कोड के साथ साथ हम उसका इंट्यूशन भी जानेंगे कि कैसे होगा। बेसिकली इंट्यूशन ये है कि हम सबसे लास्ट तक ट्रेवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, और फिर लास्ट वाले नोड पे ही हम लोग इंसर्ट कर देंगे, राइट। तो इसका कोड देखते हैं। ये भी एक वॉइड फंक्शन होगा। तो हमारा हमेशा एक रूल रहता है ना कि जब भी हमको कोई भी चीज इंसर्ट करनी हो लिंक लिस्ट में, तो सबसे पहले हम उसका एक नोड बनाएंगे, राइट। तो वही हम करने वाले हैं। एक नोड बनाएंगे यहाँ पर हम लोग, नोड टू बी इंसर्टेड, राइट। मैं प्रेफर करता हूँ कि जो पूरा नाम है वेरिएबल का वो लिखा करो, क्योंकि इससे एक तो तुम्हारा टाइपिंग स्पीड तेज होता है, और एक कोड में क्लियरिटी रहती है, राइट। तो इसको अपना सकते हो, मर्जी हो तो छोटा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि ऐसे लिखो, ठीक है ना। तो न्यू नोड मैंने बना दिया, नम, ठीक है। अब मैं एक नोड बना लूंगा टेम्प नाम का, ठीक है ना। टेम्परेरी वेरिएबल होगा जो मेरा इटरेट करेगा ओवर द लिंक लिस्ट, और वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। हमेशा हर एक लूप में हम लोग टेम्प को आगे बढ़ाते जाएंगे, और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, टेम्प के नेक्स्ट में हम लोग अपना नोड टू बी इंसर्टेड, ठीक है ना। और ये कॉल करेंगे जब अपन, या नीचे से तो अब देखो मेरे लिंक लिस्ट में 9 आ चुका है लास्ट में। चलो मैं थोड़े और दे देता हूँ अच्छे से, 10, ठीक है ना। चलो अब इसका अपन देख लेते हैं। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि नोट में इस कै अब अपन लाइन बाय लाइन देखते हैं नोट्स में कि कैसे हर एक चीज वर्क कर रही है। वैसे अभी तक तो आई गेस समझ में आ जाना चाहिए हर एक चीज, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया मैंने। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो नोट्स सिर्फ एक बार ही पढ़ो, खुद समझो। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो जो मैंने नोट्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसी वीडियो में आगे वो देखो, राइट। तो ये सिंपल सा कोड था, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हमने एक फंक्शन वॉइड का कॉल किया। वॉइड क्यों? क्योंकि इसमें से हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। रिटर्न करने की जरूरत है, राइट। और ये क्या काम करता है, ये हमारा पास बाय रेफरेंस है। इससे क्या होता है, जो एक्चुअल हेड होता है वो हमारे पास इस फंक्शन में आ जाता है, ठीक है ना। तो एक कोई दूसरी कॉपी नहीं बनती है, जो मेन इंट मेन में जो हमारा हेड बना रखा है ना हेड, तो इसी हेड में आगे एंटर होते हैं, ठीक है ना। मैंने आगे आगे क्यों लिखा हूँ, बट फिर भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन में मैंने एक नया नोड टू इंसर्ट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और नेक्स्ट लाइन में हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जिसमें हमने हेड का एड्रेस दे दिया, राइट। तो अब वाइल लूप रन किया जब तक टेम्प का नेक्स्ट हमारा नल नहीं हो गया। अब आप अगर एक बिगिनर हो तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि यार टेम्प का जो नेक्स्ट है, ठीक है ना, अगर मैं यही चीज डिस्प्ले में देखूं, ठीक है ना, ये चीज जब डिस्प्ले में थी तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब तो मैंने टेम्प नॉट इक्वल टू नल ले रखा था। ऐसा क्यों है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस केस में ऐसा क्यों है। मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये ना हो के लिखा है टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, ये लिखा है, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ टेम्प नॉट इक्वल टू नल, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, जब इटरेट करेगा इस लूप में टेम्प, तो टेम्प पहले यहां पहुंचेगा, ठीक है, 1 टेम्प का डेटा प्रिंट हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है, अगर नल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अभी इस केस में नल नहीं है तो हम आगे बढ़े, टेम्प यहां पर आ गया, ठीक है ना। टेम्प का डेटा प्रिंट हुआ और फिर टेम्प आगे बढ़ गया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट आ गया। तो अभी यहां से टेम्प हट के, टेम्प हट के टेम्प आ गया इस जगह, ठीक
अब मेरी कंडीशन चेक होगी, क्या टेम्प का नेक्स्ट नल है? तो हाँ भाई, टेम्प का नेक्स्ट तो नल है, ठीक है ना? तो जैसे ही टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप ब्रेक कर जाएगा, समझ रहे हो? और मेरा ये वाला नोड कभी प्रिंट होगा ही नहीं, इसीलिए यहां पर हम लेते हैं टेम्प नॉट इक्वल टू नल, समझ रहे हो? और अब इस केस में क्या, मुझे एक्चुअली जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में था 1, 2, 3 नल, राइट? तो पिछले वाले केस में हमें जरूरत पड़ रही थी नल पे पहुंचने की, ताकि ये वाला जो एलिमेंट है वो प्रिंट कर सके। इसमें हमें सिर्फ यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना? क्योंकि इस नोड के आगे हमको एलिमेंट डालना है, ना कि नल के आगे। अगर ये वाला जो टेम्प है यहां नल पे पहुंच जाएगा और फिर आगे का कोई एड्रेस चेक करेगा कि नल के नेक्स्ट में क्या है, तो यहां पर सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है ना? ऐसे सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया जाएगा। इसीलिए मुझे टेम्प का नेक्स्ट नल चेक करना है। टेम्प का नेक्स्ट नल का मतलब क्या है? इसका साफ साफ मतलब यह है कि मुझे बस लास्ट एलिमेंट पे पहुंचना है, ठीक है ना? इसका मतलब है लास्ट एलिमेंट पे पहुंचना है, ना कि लास्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, समझ रहे हो? तो इस मेथड से हम लोग लास्ट एलिमेंट पे पहुंचते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज रहते हैं कि इसका यहां पे ऐसा क्यों किया और यहां पे ऐसा क्यों किया, तो ये इस वजह से है, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग एक ही फंक्शन से इंसर्ट एट बिगिनिंग एंड इंसर्ट एट एंड एंड इंसर्ट एट मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलो अभी अपन चलते हैं और ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट हुआ करे तो तुरंत कमेंट में रीच आउट किया करो, ठीक है ना? सबके जवाब दे दूंगा मैं। चलो तब तक के लिए बाय।